नमस्कार भाई और बहनों, मैं आयुष्मान शर्मा अपने मित्र यश शर्मा के साथ आपका फिर से अपने चैनल इंडिया स्टेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप का फ्रूट ट्राई करने जा रहे हैं जिसे गुजराती फूड कहा जाता है, खमंड, फाफड़े और साबुदानी खिचड़ी। खमंड और फाफड़े तो सब जानते हैं, पर फाफड़ों के साथ कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ है जो सिर्फ मंदसौर में अवेलेबल होती है। तो आइए हम जानते हैं और आप भी हमारे साथ देखिए। तो हम लोग चलते हैं पालीवाल जी के यहाँ पर। भाई और बहनों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कहीं पर भी बाहर जाएं, सबसे पहले अपना मास्क जरूर लगाएं। सेफ्टी बिल्कुल फर्स्ट होनी चाहिए। चले चलते। फाइनली गाइज आ चुके हैं पालीवाल फाफड़ा हाउस पे। आइए इनसे दो मिनट बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी भाई, आपका नाम बताइए। योगेश पालीवाल जी। योगेश भैया, आपका ये जो शॉप है कितने टाइम से मंदसौर में लग रहा है? करीबन 40 साल से लग रहा है और दादाजी के इससे चल रहा है। अच्छा, दादाजी के समय से आपकी शॉप चालू है? चल रहा है। अच्छा, मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो फाफड़े होते हैं उनके साथ कई जगहों पर मिर्ची दी जाती है, पर ये जो सब्जी, जो प्याज की सब्जी का कॉन्सेप्ट है, ये मंदसौर में देखा गया है। तो इसका क्या राज है भैया? ये हमारे दादाजी ने चालू करा था करीबन 1971 में, 91 में। उसी समय से किसी ने बोला था कि इसके साथ कुछ नया लाए, तो हमारे दादाजी ने प्याज, चटनी और हरी मिर्ची चलाया था। उसके बाद से आज तक यही चल रहा है और पूरे इंडिया में अपने ही मिलेंगे प्याज, चटनी, हरी मिर्ची के अलावा फाफड़े और कहीं नहीं मिलते। और आपके यहाँ क्या क्या स्पेशल आइटम्स मिलते हैं भैया? हमारे यहाँ खमंड है गुजराती, साबुदाने की खिचड़ी है, मूंगफली के दाने की मिठाई है और आलू चिप्स है, खुद अपन घर पर बनाते हैं। और साबुदाना आलू का चिवड़ा है और मूंगफली के दाने मिलेंगे, सब अपना घर का ही रेडीमेड आइटम, कुछ भी यूज़ नहीं करते। अच्छा, जो ये मसाले आते हैं स्पेशल, ये भी आप घर पर बनाते हैं या बाहर के आते हैं? ये भी हम घर पर बनाते हैं, घर पर ला के उसका सब पीस के और उसके बाद ही अपन यूज़ में लेते हैं। आपका एक बार शॉप का एड्रेस बता दीजिए भैया, कहाँ पर है? ये है मंदसौर में पालीवाल फाफड़ा हाउस, जसपुर कुंज बगीचे के बाहर। ठीक है भैया, शुक्रिया। तो भाई और बहनों, हम लोग आ चुके हैं योगू भैया के यहाँ पर। तो आइए भैया के यहाँ पे ट्राई करते हैं, हम लोग पहले फाफड़े ट्राई करेंगे। चलिए भैया, फाफड़े लगा दीजिए। ये भैया हमारे फाफड़े लगाते हुए, ये भैया की कुछ स्पेशल सब्जी है चटनी के साथ, मिर्ची। सो ये हमारे भैया फाफड़ा आ चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल खूबसूरती के साथ। तो आइए इसे टेस्ट करके देखते हैं। फाफड़े में बहुत क्रिस्पी सा स्वाद है, बहुत ही क्रंची सा स्वाद है। स्पेशल जो सब्जी है उसमें भी बहुत बढ़िया स्वाद है चटनी के साथ। तो देखो गाइस, ये हमारे जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो जेठालाल है गुजराती, उसकी बड़ी फेमस फेवरेट चीज़ है जलेबी फाफड़ा, पर इसमें जलेबी नहीं है बट फाफड़ा जरूर है। बहुत ही लजीज है। स्वच्छ भारत अभियान, हाँ, हम कुछ भी खाएं ना तो कृपया कर उसको डस्टबिन जरूर फेंकें, इधर उधर रोड पर ना डालें। तो भाई और बहनों, हमने पालीवाल जी के यहाँ के फाफड़े ट्राई कर लिए हैं। वाकई में जो उनके यहाँ सब्जी मिलती है उसके साथ फाफड़े बहुत ही लजीज लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लगते हैं। आइए हम पालीवाल जी यहाँ के खमंड ढोकला ट्राई करते हैं, उसकी क्या स्पेशलिटी है, आइए देखते हैं। ये लगा दो खमंड ढोकला। ये भैया हमारा खमंड लगाते हुए,
भैया इमली की चटनी घर पे बनती है जी, बिल्कुल जी। देखिए गाइस आज के हमारे खमन ढोकला गुजराती खमन ढोकले करते हैं, ट्राई करते हैं। सच बोलता है जेठाला, गुजरात की चीज बहुत फेमस, बहुत फेमस है। वाकई में खमन ढोकले में जो स्पंज है, जो स्वाद है, वो बिल्कुल प्रॉपर है। अच्छा लग रहा है टेस्ट, बहुत बढ़िया। तो हमने पाली वाली जी के यहाँ का स्पेशल खमन भी ट्राई कर लिया, आइए पाली वाली जी के यहाँ की अब साबुदाने खिचड़ी भी ट्राई करते हैं और आइए उनसे कुछ चर्चा भी करते हैं। जी योगेश भैया जी, ये खिचड़ी है जी, जी, जी। अच्छा इसमें कौन कौन से मसाले आप डालते हैं योगेश भैया? इसमें शकर का बोरा जी, काली मिर्ची जी, इसमें खट्टा मीठा पाउडर आता है जी जी, एक वो जल जीरा वगैरह और धनिया नींबू और आलू का फलारी चिवड़ा जी जी। इसमें अपन आलू यूज नहीं करते हैं जी, इसकी जगह हम आलू का चिवड़ा डालते हैं जी, उससे क्या खिचड़ी एकदम टेस्ट में जी अच्छा है। अच्छा योगेश भैया मैं आपसे पूछना पड़ा था, आपके जो खमंड है जी, ये इतना स्पंजी कैसे होता है, स्वादिष्ट मतलब स्पंज कैसे आया इसमें? इसमें स्पंज ये हाथ हाथ का रहता है, पर इसमें जितना आप खमंड को फेंटेंगे उतना खमंड अच्छा बनता है। इसका सबसे मेन बात ये है, खमंड को आप जितना फेंटोगे और आँच पे बिल्कुल ज़्यादा टाइम पे नहीं रखना है, आप ज़्यादा आँच पे रखोगे तो खमंड बट्टर होता है जी, इसलिए उसको 15 मिनट से ज़्यादा आँच पे नहीं रखना चाहिए जी। सो ये योगेश भैया ने हमारी साबुदाने की खिचड़ी तैयार कर दी है, आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ योगेश भैया ने बनाई है। काफ़ी प्रकार के मसाले, नींबू, चिवड़ा, धनिया और उसमें ये सब यहीं पे ऐड करते हैं। चलिए प्लस चिप्स भी है फलियारी, इसमें फलियारी चिप्स भी ऐड करी है योगेश भैया द्वारा, बनाना चिप्स है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं योगेश भाई की फलारी खिचड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट स्वाद है, बहुत ही अच्छी लग रही है खाने में। ना ज़्यादा चरकी है ना फीकी है, इसके बीच का कुछ टेस्ट है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो भाई और बहनों, हमने पालीवाल जी के यहाँ के फाफड़े, खमंड और साबुदाने खिचड़ी तीन ही ट्राई कर लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और वाकई में गुजरात की शान पालीवाल जी ने मंसूरा बनाए रखी है। पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि पालीवाल जी का काफ़ी कुछ सुविधाएँ उपलब्ध है, जैसे जोमेटो, स्विगी, होम डिलीवरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर एक जोमेटो वाले भैया खड़े हुए हैं, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं यहाँ की रेटिंग्स कैसी क्या है, यहाँ के कितने ऑर्डर्स बनते हैं भैया के। जी भैया आपका नाम बताइए। प्रवेश कुमार जी, हटा लीजिए पहले थोड़ा सा। जी भैया नाम बताइए। प्रवेश कुमार आपका नाम। आज आपकी ड्रेस क्या है भैया जोमेटो की? सर ड्रेस तो एक्चुअली क्या है कि काफ़ी टाइम से मिली नहीं है और फट चुकी है ड्रेस भी और हैंड बैग भी फट चुका है। अच्छा ये कोई बात नहीं, भैया से हम बात करते हैं। भैया जोमेटो की यहाँ पर दिन भर में कितनी डिलीवरीज आप कर देते हो? दिन भर में लगभग ऑर्डर फ्लो रहता है तो ज़्यादा ऑर्डर फ्लो रहता है तो 20-25 ऑर्डर हो जाते हैं। अच्छा और यहाँ की क्या रेटिंग्स है, कैसा क्या स्वाद लगता है लोगों को, कुछ अच्छा लगता है? अनुभव तो अलग अलग रेस्टोरेंट का अलग अलग टेस्ट रहता है, अधिकतर कस्टमर पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का पसंद हो और वहीं पर ऑर्डर करें। बट हमें तो पालीवाल जी क्या बताइए, क्या स्वाद है यहाँ पे गुजरात के लिए, कि मतलब क्या स्वाद के हिसाब से क्या स्वाद रिव्यू आता है? जहाँ तक स्वाद का देखा जाए तो बहुत बढ़िया रेटिंग मिलती है यहाँ से और काफ़ी ऑर्डर भी होते हैं यहाँ के, लगभग वो होते हैं ऑर्डर। तो जैसा कि हम लोगों ने जोमेटो वाले भैया से बात करी है, आपको यहाँ पे होम पर भी डिलीवरी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो फिनिश करता हूँ, आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।